हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए कच्ची मुर्ग बिरयानी लेकर आई हूँ। तो ये जो रेसिपी है ना, ये बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि इसमें चिकन जो है वो कच्चा तो नहीं रहने वाला, तो नहीं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने वाला है। इसे कच्ची मुर्ग बिरयानी इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसे नॉर्मली जैसे हम बिरयानीज़ बनाते हैं और अलग अलग तरीके से हम उसे लेयरिंग करते हैं, यहाँ पे वैसे नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक ही साथ सारा कुछ एक ही साथ दम पे चढ़ा देते हैं, और कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अच्छा, वैसे बिरयानी में ना ये मुझे सबसे ईजीएस्ट बिरयानी लगती है क्योंकि मुझे इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार में सारा कुछ मैरिनेट करो और अंदाजे से ना आप उसको एक टाइम सेट कर दो और उसके बाद आपकी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो कैसे होती है, चलिए रेसिपी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं कच्ची मुर्ग बिरयानी की रेसिपी। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया है, ये वही पतीला है। हम लोग एक ही पतीले में ना सारा कुछ एक ही साथ मैरिनेट करके स्टार्टिंग से चढ़ा देंगे, तो जिसमें हमें बनाना है उसी में सारे इंग्रेडिएंट्स हमें ले लेना है। तो फिलहाल इस पतीले में मैंने दही ले लिया है, 200 ग्राम के करीब दही है, और साथ में हमने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने इस तरह से स्प्रिंकल करके ऐड कर दिया है। और उसके बाद 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला पाउडर ऐड किया है, ये होममेड बिरयानी मसाला पाउडर है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे इसमें बरिस्ता, जो कि भुनी हुई प्याज होती है, तो वो मैंने बना के रख लिया था, अब यहाँ पे ऐड कर लिया हमने। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है फूड कलर। इसमें हम हल्दी यूज़ नहीं करने वाले, हम हर जगह फूड कलर ही यूज़ करने वाले। साथ में नमक वगैरह ऐड करने के बाद ना आप अच्छे से इसको मिक्स कर लो अपने हाथों से। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तब आपने जितना चिकन ऐड करना है उतना कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1 kg के करीब मैंने यहाँ पे चिकन ऐड किया है। और चिकन ऐड करने के बाद आपको अच्छे से उसमें मसाला जो है ना, अच्छे से अपने हाथों की मदद से आप उसको अच्छे से मसल लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लो आप। उसके मिक्स करने के बाद आपने जिस ऑयल में बरिस्ता फ्राई किया है ना, आपको वही ऑयल इसमें ऐड कर देना है। करीबन 2-3 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है यहाँ पे। ऑयल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने कुकिंग प्रोसेस अपना स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ मैरिनेट करना है, तो इसीलिए ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चावल चढ़ाने के लिए यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। और अब हम लोग इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो ये कुछ खरे मसाले हैं, जैसे कि साबुत जो भी गरम मसाले हैं वो सारे हैं, और नमक है और तेज़पत्ते हैं जिन्हें मैंने टुकड़े में कर लिया है। ये साबुत मसाले और नमक डालने के साथ साथ ना यहाँ हम लोग 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर देंगे पानी में, और पानी में एक अच्छा सा उबाल आने तक हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब हम लोग चावल ऐड करेंगे। अच्छा, चावल यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं, इंडिया गेट के जो सुपर बासमती चावल आते हैं मैंने वो लिए हैं। आप कोई सा भी बासमती राइस आप यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल राइस से भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जो बिरयानीज़ होती हैं वो बासमती राइस में ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस ले लिया है। अब आते हैं पानी की तरफ और देखते हैं, हल्का हल्का सा उबाल आना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने इस हल्के हल्के से उबाल आने में ना, मैंने इसी टाइम पे मैंने जो चावल थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं। और चावल ऐड करने के बाद आप हल्का सा स्टर कर लो। मैं आपको दिखाती हूँ, चावल देख लो आप, एकदम पके हुए नहीं हैं, बहुत कच्चे कच्चे से चावल हैं। और इनमें हमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 20% कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। उसका कारण ये है कि हम लोग ये कच्ची बिरयानी बना रहे हैं, तो हम अगर ज़्यादा चावल पका लेंगे ना तो फिर चावल या तो गल जाएगा या सारे टूट जाएंगे चावल, आपके खिले खिले से चावल नहीं बनेंगे। तो इसलिए चावल आपको सिर्फ 20% पकाना है, बाकी सारा दम पे कुक होगा। अच्छा, इधर दूसरी तरफ ना मैंने 1 कप दूध ले लिया है। दूध में मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड किया है, और केवड़ा वाटर के साथ हम लोग इसमें मुगलई मीठा अतर जो है हम लोग वो 2-3 ड्रॉप हम लोग ऐड कर देंगे, और इसे मैं ना दूध में ही मिक्स कर लूँगी। जनरली इसे आप डायरेक्टली बिरयानी में भी डाल सकते हो, लेकिन जो हम लोग दूध ऐड करेंगे ना बिरयानी में, हम लोग उसी में मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ ये देख लो आप, चावल मेरा 20% कुक हो चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग इसको स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से, और स्ट्रेन करके अलग कर लेंगे।
और फिर हम लोग अपना बिरयानी का जो मेन पार्ट है यानी कि दम की जो दम देने का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत करेंगे। तो चावल देख लो अब इतने ही पके हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, बाकी जो भी कुक होगा वो दम पे कुक होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे चिकन का क्या हाल है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे ना हम लोगों ने जो आलू फ्राई करके रखा था अलग से, मैंने आलू कुछ आलू फ्राई कर लिए थे जैसे, उसमें मैंने फूड कलर डाला था और उसे सीम आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया था। इतना कुक किया था कि पूरे तरीके से नहीं गले हैं लेकिन आधे तो गल चुके थे। तो ये आलू मैंने ऐड कर दिया। आलू ऐड करने के बाद मैंने इसमें कुछ चॉप धनिया पत्ती ऐड कर दी। धनिया पत्ती ऐड करने के बाद ना हम लोग इसमें राइस ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो राइस आप थोड़े थोड़े करके आप ऐड कर देना एंड आपको ऐड करते जाना है। एंड जब आपने सारा ऐड कर दिया होगा ना, उसके बाद आपको उसे अच्छे से फैला लेना है और हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो ये देख लो आप राइस मैंने सारा यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब सारे ऐड करने के बाद हल्का हल्का सा हम लोग इसको प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद ना अब बाकी की इंग्रेडिएंट्स डालना हम लोग शुरू करेंगे। तो अब जो बचे हुए धनिया पत्ते थे तो मैंने उसको ऐड कर दिया है, साथ में इसमें बरिस्ता भी ऐड कर देंगे हम लोग। और बरिस्ता के बाद जो दूध हमने रखा था ना वो दूध ऐड करेंगे। बरिस्ता मैंने बाद में ऐड किया था, फिलहाल मैंने दूध ऐड कर दिया है इसमें। और दूध ऐड करने के बाद हम लोगों ने ये देख लो बरिस्ता जो मैंने अलग से बचा के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने के बाद फिर हम लोग इसमें थोड़े थोड़े जगह पे हम लोग फूड कलर ऐड कर देंगे अच्छा सा कलर आने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला पाउडर। तो ये जो बिरयानी मसाला पाउडर है ये थोड़ा सा हमें स्प्रिंकल कर लेना है इस तरह से यहाँ पे। तो बस बिरयानी मसाला पाउडर डालने के बाद अब हम लोग अपना अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है घी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड किया था, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने देसी घी इसमें ऐड कर दिया था। तो आप लोग भी देसी घी ऐड कर दें, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है आपके बिरयानी को। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने अच्छे से ना इसमें घी ऐड कर दिया। ऑयल तो हमने पहले ऐड करा ही था। उसके बाद इस तरह से एक हम किचन टॉवल ले लेंगे या फिर कोई भी कपड़ा ले लेंगे साफ, और उसको हम लोग बिरयानी को ना उससे हम लोग ढक देंगे और उसके ऊपर से उसका लिड लगाकर इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो ये जनरली हम लोग करते हैं दम देने के लिए। बहुत लोग आटे से भी दम देते हैं, इनफैक्ट आटे से ही जो ओरिजिनली दम दिया जाता है ना वो आटे से ही दिया जाता है, लेकिन आजकल ना घरेलू आप तो जानते हो जुगाड़, तो ये घरेलू जुगाड़ में से एक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मेरी बिरयानी पक के बिल्कुल रेडी है। आप देख लो चावल कितने खिले खिले बने हैं और बिल्कुल अच्छे से पक गए थे। तो ये जो बिरयानी है ना ये वन ऑफ द ईजीस्ट बिरयानीज में से एक है। एंड मुझे ये आसान इसलिए लगता है कि एक साथ मैरिनेट करो, चिकन अलग पकाओ, आलू अलग पकाओ और बिरयानी अलग पकाओ, सॉरी बिरयानी के चावल अलग पकाओ और उसके बाद जब आप मिक्स करते हो लेयरिंग करते हो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है खाने में ऑफकोर्स, पर इसमें उतना झंझट नहीं लगता है। आई मीन, इसमें ना आप एक साथ मैरिनेट करके रख दो और उसके बाद से चावल आप इसमें ऐड कर दो और फिर सारी चीज़ें ऐड करके आप दम दे दो। तो मुझे ये थोड़ा आसान लगता है लाइक बिरयानी पकाने में, कि इसमें अलग से मुझे जो चिकन है या कोई भी गोश्त आप ले रहे हो तो आपको उसे अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये थी मेरी कच्ची मुर्ग बिरयानी की रेसिपी। अच्छा ये रेसिपी मुझे इसीलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि इसके साथ ना आपको कोई रायता किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो कबाब्स नो रायता, आप इसे बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हो क्योंकि ये थोड़ी मसालेदार होती है। लाइक आप जो टुकड़े होते हैं बोटियाँ होती हैं उसमें काफ़ी सारे मसाले लिपटे हुए होते हैं, तो उससे आप आराम से बिरयानी खा सकते हो। बहुत ड्राई सी बिरयानी नहीं होती है जो आपके गले में फंसती है ना, उस टाइप की बिरयानी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये बहुत ही जूसी एंड बहुत ही डिलिशियस बिरयानी भी होती है। तो अगर इस तरीके से आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ये ज़रूर से ट्राई करें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपने इस तरह से ट्राई करा हुआ है तो। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।